लास्ट टाइम हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ ड्यूटी देख लिया था ना, ड्यूटी कलेक्शन का हिसाब किताब देखा था, रेट्स में चेंजेस होते थे तो किस तरह से हम लोग उसको ट्रीट करते थे, एग्जेम्प्टेड गुड्स, नील रेट ऑफ ड्यूटी, ये सारी चीज़ें देख ली थी डिटेल में। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स? ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का हिसाब किताब क्या है और क्यों कर रहे हैं हम लोग? भाई हमको क्या चाहिए? हमको नहीं, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? एक्साइज ड्यूटी चाहिए। टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक्साइज ड्यूटी आएगी, नहीं बोलो ना। और क्या टैक्स रेट को किस में मल्टीप्लाई करोगे? वैल्यू में, किसी वैल्यू में रेट का मल्टीप्लाई करो तो ड्यूटी आएगी। जो वैल्यू का पार्ट है दैट इज टू बी डन अंडर वैल्यूएशन प्रोसेस। हम लोग गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं इसके बाद का टॉपिक है। इसके हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, एक्साइज ड्यूटी के बारे में बेसिक सारी चीज़ें देख ली, गुड्स होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मैन्युफैक्चर इन इंडिया ना होना चाहिए, एक्साइजेबल गुड्स होना चाहिए, सीटा में मेंशन होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल में, ड्यूटी का रेट होना चाहिए, नील रेट ड्यूटी रेट होती है, ये सब चीज़ें देख ली, एग्जेम्प्टेड गुड्स टैक्सेबल माना जाता है, ये सब चीज़ें देख ली हम लोगों ने। बोलो, अच्छा ये तो हम लोगों ने ड्यूटी के बारे में चीज़ें देखी, वैल्यूएशन हम बाद में देखेंगे, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स रेट की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स रेट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं गुड्स को। पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का? कि एक तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी सही मिले, और गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी सही तब मिलेगी जब हम गुड्स का वैल्यूएशन सही तरीके से करें, और जो गुड्स का वैल्यूएशन है अमाउंट है वो सही आए, साथ ही साथ टैक्स रेट का मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से करें। और टैक्स रेट्स कहाँ से हम जानेंगे? वो जानेंगे सीटा 1985 से। याद आया? हम लोग टैक्स रेट कहाँ से निकालेंगे? सीटा 1985। अब इसमें ढेर सारे चैप्टर्स हैं, ढेर सारे मतलब क्या, इसमें 20 सेक्शंस हैं और 96 चैप्टर्स हैं। ढंग से सुनना मेरी बात, मैंने कहा सीटा 1985 में 20 सेक्शन और 96 चैप्टर्स हैं, और ये फर्स्ट शेड्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फर्स्ट शेड्यूल की बात हो रही है। तो सर सेकंड शेड्यूल क्या होता है? जब तुम लोगों ने टाइप्स ऑफ ड्यूटी पढ़ा था तो पेज जरा पीछे करो, स्पेसिफिक ड्यूटी पर सेकंड शेड्यूल अप्लाई होता है, हाँ या ना? इसमें 20 सेक्शंस और 96 चैप्टर्स हैं, 20 सेक्शन और 96 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूं सेकंड शेड्यूल तो पीछे पेज पलट कर देखो, देखो स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये स्पेसिफाइड ड्यूटी किस पर लगता है? सेकंड शेड्यूल में दिए जो दिए हुए हैं, किसमें? सेकंड शेड्यूल में। अच्छा क्या वहां पर कोई वर्ड लिखा है क्या, इन एडिशन टू बेसिक एक्साइज ड्यूटी, क्या कहीं पर लिखा हुआ है उस पर? लिखा है? लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो लिख दो, इन एडिशन टू बेसिक एक्साइज ड्यूटी। जो हमारा स्पेसिफाइड ड्यूटी लगता है वो हमारा स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, वो हमारा फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया हुआ है उसके अलावा लगता है, यानी इन एडिशन टू द बेसिक एक्साइज ड्यूटी, इन एडिशन टू द बेसिक एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है?
और जब मैंने स्पेशल ये पढ़ाया था स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, तो मैंने कहा था कि ये सारे के सारे गुड्स जो सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, और उसमें हमने एक दो एग्जाम्पल भी दिया था, कार और पान मसाला, शायद देखो लिखा भी हुआ है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि सर कार और पान मसाला केवल एक्साइज ड्यूटी एडिशन में नहीं है, वो तो केवल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगती है, ना ना ना, बेसिक तो लगेगी ही लगेगी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड होती है, और वो सारे के सारे गुड्स फिलहाल क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं सेकंड शेड्यूल की ड्यूटी लगने से। इसका मतलब क्या, उन पर ड्यूटी नहीं लगती? कौन सी लगती है? बेसिक एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। चलो, तो हम यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि सेकंड शेड्यूल का क्या है हिसाब किताब, एग्जेम्प्ट है, उसकी तो बात करने से कोई फायदा नहीं। तो थर्ड शेड्यूल भी तो है, थर्ड शेड्यूल भी तो है सीटा का, जबकि हम लोगों ने एक्साइजेबल गुड्स पढ़ा था। एक्साइजेबल गुड्स मींस गुड्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द सीटा 1985 एज बीइंग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज। बस इतना ही तो पढ़ा था, कि उसके आगे भी कुछ पढ़ा था नहीं, वहाँ थर्ड शेड्यूल तो नहीं आया था। वहाँ कौन सा शेड्यूल नहीं आया था? थर्ड शेड्यूल नहीं आया था, लेकिन थर्ड शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन। पहला, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो, दूसरा डीम्ड मैन्युफैक्चर, हाँ या ना, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, और तीसरा उसमें हम लोगों ने देखा था थर्ड शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड हो, वो प्रोसेसेस जो थर्ड शेड्यूल ऑफ सीटा 1985 में मेंशन्ड हो, लेबलिंग, रीलेबलिंग, पैकिंग और रीपैकिंग, हाँ या ना। यानी थर्ड शेड्यूल भी है सीटा का, टोटल कितने शेड्यूल हैं? थ्री। फर्स्ट शेड्यूल समझ में आ गया, बेसिक एक्साइज ड्यूटी को बताता है, सेकंड शेड्यूल एग्जेम्प्ट है फिलहाल और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को बताता है, और थर्ड अमाउंट टू मैन्युफैक्चर को बताता है, जिसमें पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग की बात की गई है। वापस आते हैं अपने क्लासिफिकेशन पर। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सीटा 1985 के फर्स्ट शेड्यूल में जो 20 सेक्शन और 96 चैप्टर्स दिए हैं, हम अपने गुड्स को इसी में ही क्लासिफाई करेंगे। जैसे अगर कोई बुक आती है, किताब, बुक, यही मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स की बुक दी हुई है, इसके तीन सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? पहला एक्साइज, दूसरा कस्टम और तीसरा सर्विस टैक्स, छोड़ देते हैं बाकी। इसको हम लोग कहते हैं सेक्शंस, क्या बोलते हैं? दीज आर द सेक्शंस ऑफ द बुक, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक, द सेकेंड सेक्शन ऑफ द बुक एंड द थर्ड सेक्शन ऑफ द बुक। ये ब्रॉड वे में आपको बात बताता है, यू आर जस्ट हेयर अंडर द एक्साइज। हम अगर फर्स्ट सेक्शन को पलट रहे होते हैं तो इसका मतलब दिमाग में आता है कि हम एक्साइज की बात कर रहे हैं, और जब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कस्टम की बात कर रहे हैं। और जब थर्ड सेक्शन बुक का पलटते हैं तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? सर्विस टैक्स देख रहे हैं। देखो, तो ब्रॉड वे में बात की जाती है, सेक्शंस क्या होते हैं, ब्रॉड वे में बात करते हैं, वो इन टोटलिटी आपकी बुक को कई पार्ट में तोड़ रहे हैं। उसी तरह सीटा की बुक्स भी कितने सेक्शंस में है? कितने सेक्शंस में है? 20। क्या उसमें चैप्टर्स नहीं होते? अरे है तो चैप्टर, एक्साइज में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कस्टम में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सेंट्रल सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। जिस तरह हम लोगों ने सेक्शंस को फिर चैप्टर में बांटा हुआ है, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सेक्शंस को किस में बांटेंगे? चैप्टर्स में बांटेंगे। अब क्लियर हुआ? तो पहले तो हम सेक्शंस में बांटते हैं और उसके बाद चैप्टर्स में बांटते हैं, ज़्यादा क्लासीफाई करते हैं। पहले तो चीज़ों को देखो, किस चीज की बात करें, किस सेक्शन में आओगे, फिर वो चीज कहां जाएगी। क्लियर? उसके बाद चैप्टर के बाद हम लोग हेडिंग की बात करते हैं, उसके बाद सब हेडिंग की बात करते हैं, और उसके बाद सब हेडिंग की बात करते हैं। और जब हम इस तरह से गुड्स को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं टैरिफ आइटम। याद आया होगा, इसमें चार चीजें होती हैं, पहला चैप्टर, दूसरा हेडिंग, तीसरा सब हेडिंग, और फोर्थ सब हेडिंग। पहले चीज को सेक्शन में बांटो, फिर टैरिफ आइटम के हिसाब से उसको चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग में बांटो। 8 डिजिट बताए थे,
टैरिफ आइटम की कोडिंग करने के लिए कितने डिजिट होते हैं? फर्स्ट टू डिजिट क्या कहलाते हैं? चैप्टर्स। अगर 33 दिया हुआ है, 33.04, इसका मतलब चैप्टर कौन सा है? 33। बोलो ना, इसका मतलब चैप्टर कौन सा है? अच्छा, उसका हेडिंग क्या है? 04। उसका हेडिंग क्या है? तो दो शुरू के कैरेक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? चैप्टर। बाद के जो दो कोड होते हैं वो क्या होते हैं? हेडिंग। इसके बाद के जो दो कोड होंगे और इसके बाद के जो दो कोड होंगे वो सब किसी भी गुड्स को एक्यूरेटली कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, ताकि उसका टैक्स रेट सही आ सके, ताकि उसका टैक्स रेट सही आ सके। अच्छा, अगर मान लो कोई गुड्स दो जगह फॉल करता है, एक जैसा लगता है यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, और हम लोगों को छोड़ दें कि आपको जहाँ मर्जी आए वहाँ दो, तो लोग क्या करेंगे? गुड्स को ज़बरदस्ती फॉल करवाएंगे दूसरी कैटेगरी में जहाँ पर टैक्स रेट कम होगा, या टैक्स रेट भले बराबर होगा वहाँ ले जाना पसंद करेंगे जहाँ पर एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलता है, अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे इसका। तो क्लासिफाई करना कितना ज़रूरी है, किसी चीज़ को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को सही रेवेन्यू मिल सके। क्लियर है? समझ में आई बात? नहीं आई तो टैरिफ आइटम्स में हमारी चार चीज़ें देखी जाती हैं, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब हेडिंग। पहले दो कोड होते हैं जो वो हमारे कहलाते हैं चैप्टर, बाद के जो दो कोड होते हैं वो कहलाते हैं हेडिंग, उसके बाद के दो जो कोड होते हैं उसको कहते हैं सब हेडिंग, और उसके लास्ट के दो कोड होते हैं उसको कहते हैं सब हेडिंग। अब जरा मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं, मैंने जो भी बताया वो सही नहीं बताया क्या? क्या मैंने सही नहीं बताया? अब सही सुनो, शुरू के जो दो कोड होते हैं उनको हम कहते हैं चैप्टर, शुरू के जो दो चार कोड होते हैं उनको मिला करके कहते हैं हेडिंग। ये दो और ये दो मिलाकर अब कहलाएंगे हेडिंग। क्लियर हुआ? अब समझ में आई बात? शुरू के ये जो छह कोड हैं इनको मिलाकर हम कहेंगे सब हेडिंग, और सबको अगर मिला दें तो हो गया मेरा क्या? टैरिफ आइटम। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? बेसिकली सब हेडिंग हम लोगों ने अपने मन से बनाया है, इन जब पहले दो को चैप्टर, शुरू के चार को हेडिंग, शुरू के छः को सब हेडिंग, और सारे के सारे को हम टैरिफ आइटम बोलते हैं। वो लास्ट वाला सब हेडिंग एक बोलचाल की लैंग्वेज में बोल दिया गया, अदरवाइज उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब क्लियर हुआ? बोलते क्यों नहीं, समझ में आया ये? तो अब जब भी हम बोलेंगे हेडिंग कितने कोड की होती हैं, बोलोगे चार। सब हेडिंग कितने कोड्स होते हैं, बोलोगे छः। सब हेडिंग या टैरिफ आइटम कितने कोड का होता है? 8। अब क्लियर है? लिखना है या छोड़ देना है? तो इसको अपने वर्ड्स में 2 मिनट देते हैं, लिख लो, जैसे लिखना हो लिख लो। कि अंडर द टैरिफ आइटम देयर इज अ कोडिंग ऑफ 8 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स आर नोन एज चैप्टर, फर्स्ट 4 डिजिट्स आर नोन एज हेडिंग, फर्स्ट 6 डिजिट्स आर नोन एज सब हेडिंग, एंड इन टोटालिटी इट इज नोन एज टैरिफ आइटम। क्लियर? हटा सकते हैं? अब तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है सही टैक्स रेट निकालने के लिए। क्लियर?
जो भी सीटा का सिस्टम बना हुआ है, मैंने बता दिया है पहले, वो HSN बेसिस पर है। किस पर है? HSN सिस्टम, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेस्ड है हमारा गैट पर। किस पर? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट है क्या बेसिकली? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोडिंग सिस्टम है। क्लियर? अक्रॉस कंट्रीज, सारे देशों के बीच लगभग ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोडिंग सिस्टम है। हर एक देश चाहता है कि उसका जो टैरिफ एक्ट हो वो किस बेसिस पर बना हो? HSN बेसिस पर, यानी कि सारे दुनिया को देखते हुए, ताकि वही चीज़ यहाँ पर भी उसी तरह से कैटेगराइज की जाए और वही चीज़ दूसरे देश में भी उसी तरह से कैटेगराइज और क्लासिफाई की जाए। हाँ, हम अपने हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि वो एक्ट किसका एक्ट है? हमारा एक्ट। ठीक, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें थोड़ा फेर बदल कर सकते हैं और करते भी हैं, पक्की बात है। तो हमारा जो सीटा है वो HSN बेसिस पर है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये किस चीज़ पर बेस्ड है? गैट के बेसिस पर बनाया गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ताकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस हमें भी मिले या हम लोगों को भी क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन करने पर दिक्कत ना आए। क्लियर? जरा देखें अपनी स्टडी मेट, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? बता दिया, ढंग से सुनेंगे। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सिंस ऑल गुड्स डू नॉट कैरी द सेम रेट और अमाउंट ऑफ ड्यूटी, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ऑल द गुड्स इंडिविजुअली। पक्की बात है। अच्छा, प्लास्टिक से पेन बनती है, प्लास्टिक है, ये पेन भी प्लास्टिक की है और ये पेन भी प्लास्टिक की है, पक्की बात है ना? बोलते क्यों नहीं? अगर हम प्लास्टिक पेन की बात करें तो किस पेन की बात कर रहे हैं? क्या दोनों पर सेम रेट लगना चाहिए? क्या दोनों का वैल्यूएशन सेम होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को दोनों पर रेट ड्यूटी सेम होना चाहिए ना? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किस पर ड्यूटी ज़्यादा चार्ज करनी है और किस पर ड्यूटी कम चार्ज करनी है। क्लियर है? सिगरेट कोई पीने गया, नॉर्मल सिगरेट पीने गया, कहते हो ना मार्केट में बड़ा सिगरेट देना, छोटा सिगरेट देना, वो भी मिलते हैं, हमें नहीं मालूम छोटा सिगरेट देना, बड़ा सिगरेट देना, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू किस पर चाहिए? मतलब ज़्यादा वैल्यू और हमें समझ में नहीं आया, आगे आकर के देखेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो। सिगरेट्स के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, अलग से सिस्टम ही है उसका। ठीक है, जरा देखें, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द गुड्स थ्रू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड देन टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ड्यूटी। द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ईच ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑफ द गुड्स, द एक्सरसाइज ऑफ प्लेसिंग द वेरियस एक्साइजेबल गुड्स अंडर द वेरियस ग्रुप्स और ग्रुप इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। जब आप किसी चीज़ को डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइजेशन करने का काम करते हैं ताकि सही रेट ऑफ ड्यूटी तक पहुंच सके, उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ द डिटरमाइनिंग द हेडिंग और सब हेडिंग ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। बोलो ना सीधे, टैरिफ आइटम फाइंडिंग आउट करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। क्लासिफिकेशन किस लिए होता है? टैरिफ आइटम के लिए, ठीक है, ताकि टैक्स रेट सही मिल सके। अंडर विच द सेट गुड्स वुड बी कवर्ड, वाइज क्लासिफिकेशन नेसेसरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी। अंडरलाइन कर लें,
उस रेट ऑफ ड्यूटी को जानने के लिए जरूरी है कि आप गुड्स को क्या करें, क्लासिफाई या कैटेगराइज करें। रेट ऑफ ड्यूटी एज डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी आर चार्जेबल ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। क्लियर है? कार है, कार का मतलब क्या, चार टायर हो, कार की बॉडी हो, अंदर उसके सीट्स लगी हो, स्टीयरिंग वगैरह सब लगा हो, बोर्ड वगैरह, अगर उसमें से हम सीट्स हटा लें, क्या वो कार कार है? है। देखें क्या दिक्कत है, क्या वो कार कार नहीं है? है। स्टूल रख कर बैठ कर जाओ ना उसमें, देखो चले तुम लोग गलत मीनिंग निकालते हो हमेशा, चेयर रख करके जाओ ना उसमें देखे हाँ चेयर कार हो जाएगी, तब वो कार कार नहीं होगी, चेयर कार होगी तेज आदमी हो तुम लोग। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर एग्जेम्पशन। मैंने क्या कहा, रेट ऑफ ड्यूटी पता करने के लिए और उसके बाद एग्जेम्पशन बेनिफिट दिए जाने हैं या नहीं, कोई इस चीज का गलत फायदा ना उठाए। व्हाट इज द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने बता दिया एचएसएन सिस्टम पर है और एचएसएन सिस्टम का मतलब होता है एचएसएन इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। प्रोडक्ट को कोड किया गया है इंटरनेशनल बेसिस पर, फॉर्मुलेटेड अंडर द गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। द सीटा इज मॉडिफाइड अलॉन्ग विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। द इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग अ यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन इंटरनेशनली फैसिलिटेट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्रीज। कंट्री नहीं है, अंडरलाइन कर ले, कंट्रीज IES है उसको सर्किल कर ले, ठीक है, कई देशों के बीच में, हाँ या ना। अब इसमें देखें टू शेड्यूल्स के बारे में बात की गई है, द टू शेड्यूल ऑफ सीटा 1985। फर्स्ट शेड्यूल बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम सैंडवेट के नाम से भी जानते हैं, बता चुके हैं तुम लोग को। एंड द सेकेंड शेड्यूल स्पेसिफाई द रेट ऑफ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, हाँ या ना। सेक्शंस एंड चैप्टर्स, ये भी मैंने बता दिए, 20 सेक्शंस एंड दे आर 96 चैप्टर्स इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीटा। और सेकेंड शेड्यूल इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि वो एग्जेम्पशन दे दिया गया है, की बात है, वही चीज़ लिखी है। द फर्स्ट शेड्यूल हैज सेक्शंस एंड चैप्टर्स, ईच चैप्टर हैज वेरियस चैप्टर्स, ईच सेक्शन हैज वेरियस चैप्टर, अ सेक्शन रिप्रेजेंट अ ब्रॉड क्लास ऑफ गुड्स, ब्रॉड क्लास ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन वन रिलेट टू द लाइव एनिमल्स, सेक्शन वन बताया गया लाइव एनिमल्स, सेक्शन वन ने बताया है एनिमल प्रोडक्ट्स, सेक्शन फाइव ने बताया है मिनरल प्रोडक्ट्स। देखो तो सेक्शन फाइव में जब भी जाओगे हम लोग, मैंने क्या बोला, जब सेक्शन वन खोलोगे अपने बुक का तो वहां पर दिखेगा एक्साइज, तो जब भी एक्साइज को पलटोगे तो सेंट्रल एक्साइज की ही बात होगी, सेक्शन टू जाओगे तो कस्टम की बात होगी, सेक्शन थ्री में जाओगे तो सर्विस टैक्स की बात होगी। इसी तरह यहां पर भी सेक्शन वन जब खोलोगे तो तुम लोग को लाइव एनिमल्स के बारे में मिलेगा, किसके बारे में मिलेगा, या एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में मिलेगा। जब सेक्शन फाइव पर जाओगे तो मिनरल प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे हम लोग। अब क्लियर हुआ किस तरह से सेक्शंस को बांटा गया है, दे आर 20 सेक्शंस एंड 96 चैप्टर्स। अब अगर चैप्टर की बात करें, अ चैप्टर कंटेन गुड्स ऑफ वन क्लास, सेक्शन 5 ऑफ मिनरल प्रोडक्ट एंड चैप्टर 25 रिलेटिंग टू द सॉल्ट, सल्फर, अर्थ एंड स्टोन, प्लास्टरिंग मटेरियल, लाइम एंड सीमेंट एंड चैप्टर 26 रिलेटिंग टू ओर, स्लैग एंड एश। देखो तो हर एक चैप्टर को फिर किसमें बांटा गया है, हेडिंग्स में। क्लियर है, पक्की बात है ना। अच्छा एक और चीज समझ लो सीटा के बारे में, मान लो हम बात करें इस पेन की, तो जब हम इस पेन की बात करेंगे, अब सोचना कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है, प्लास्टिक दोनों में एक यूज़ हुई, ये चाहे ये पेन चाहे ये पेन दोनों में प्लास्टिक एक ही यूज़ हुई, दो मिनट के लिए मान लेते हैं। जब हम इस पेन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन इससे स्टार्ट नहीं होगा, इसके रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगा, रॉ मटेरियल में प्रोसेस प्रोसेस चेंज होते होते ये एक जब बन जाता है, यानी रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हुए फिनिश गुड्स तक का सारा क्लासिफिकेशन दिया रहता है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये नहीं सर रॉ मटेरियल तो दोनों में एक ही है तो दोनों को एक ही कैटेगरी में बांटे, ना 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 ना, इसके लिए अलग सेक्शन ग्रुप होगा सब कैटेगरी, इसके लिए रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल लेवल तक आने तक का सारा डिटेल दिया होगा, किसमें, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब सब हेडिंग।
अब क्लियर है, मिक्स मत कर देना कि ये पेन वो पेन। देखो तो हाइलाइटर भी ले आया है बच्चा, दोनों में फ़र्क है। क्लियर है, जरा देखें क्या है। द चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें तो ये पेन है, क्या है पेन, और उस पेन में भी कई तरह की पेन, हाइलाइटर, वाइट मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर एंड नॉर्मल पेन, पक्की बात है। उसमें भी तुम्हारी पेन आ जाएगी, सेंटेड पेन, लिखो तो खुशबू आए खुशबू नहीं खुशबू आए, और अगर लिखो तो खुशबू ना आए। देखें इधर, सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स आर गिवेन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेक्शन। ओहो भाई सीधी सी बात है, एंड चैप्टर विच गवर्न द एंट्रीज इन दैट सेक्शन एंड चैप्टर रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट करते रहना, वो बात की बात है। 8-digit क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने बता दिया था तुम लोग को लास्ट क्लास में, फिर से बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर दिया है वो चैप्टर है, उसके नीचे के 2 digit है वो हेडिंग है, उसके नीचे 2 heading है सब हेडिंग है, लास्ट में सब सब हेडिंग है, और सब मिलाकर के टैरिफ आइटम का काम करता है। क्लियर है, पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, फिर से देख लेते हैं। 33 रेफर्स कॉस्मेटिक और टॉयलेट प्रिपरेशन एसेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा, यानी जब हम 33 चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हारे कॉस्मेटिक के सामान कौन से, साबुन आएगा, आएगा हाँ साबुन आएगा, वो टॉयलेट प्रिपरेशंस में आएगा। क्लियर है, कॉस्मेटिक में पाउडर आएगा, हाँ आएगा आएगा, अच्छा लिपस्टिक भी आएगा। अगर कोई कहे लिपस्टिक टॉयलेट प्रिपरेशन है, क्या मानते हो? नहीं, दोनों में फर्क है। देखो तो चैप्टर एक ही है लेकिन दोनों में फर्क है। अब इसके अंदर भी हमको जाना पड़ेगा, हेडिंग सब हेडिंग सब सब हेडिंग। अब क्लियर है, तो चैप्टर नंबर 33 बात करता है कॉस्मेटिक और टॉयलेट प्रिपरेशंस एसेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा। 05 उसके लिए हेडिंग है जो बात करता है प्रिपरेशन फॉर द यूज ऑन द हेयर, यानी ये ऑयल्स की बात कर रहा है, हाँ है ना। चलो 90 रेफर्स टू सब अदर हेडिंग्स अदर्स। अब जो 40 आगे दिया हुआ है, लास्ट टैरिफ एंट्री बना रहा है, लास्ट सब सब हेडिंग, वो हेयर डाइज एंड नेचुरल हेयर ऑयल, हर्बल हेयर ऑयल, सिंथेटिक हेयर ऑयल। क्लियर हुआ, तो देखो तो कैटेगराइज बना रहा है उसकी। इंटरप्रिटेटिव रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन, कैसे इंटरप्रेट करें क्लासिफिकेशन में, रूल्स को कैसे इंटरप्रेट करें, इसके लिए 6 rules बने हुए हैं। कितने? 6 rules बने हुए हैं। कितने रूल्स बने हुए हैं? और अगर रूल्स की बात करें तो सबसे नीचे एक लाइन दी है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, लेंस देख लो, सबसे नीचे एकदम बॉटम पे लिखा है इंटरप्रिटेटिव रूल्स आपको फाइनल लेवल में देखने हैं। क्लियर है, बोलो ना, जिसमें एकिन गुड्स वगैरह सब आता है, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि आप रूल्स को कैसे फर्दर प्रोडक्ट को कैटेगराइज करोगे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये लास्ट अदर, फिलहाल वो फाइनल का मैटर है। व्हाट इज ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी, व्हाट इज ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी, मैं एक कहानी पढ़ता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो। लिरिल की कहानी है, हाँ लिरिल साबुन की, ठीक है मैं पढ़ूँ, ढंग से सुनना क्या केस था, उसके बाद शायद ये समझ में आ जाए कि ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी होती क्या है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है लिरिल, लिरिल एक्टिव शॉवर जेल इज क्लासिफिएबल अंडर हेडिंग 34.01। लिरिल शावर जेल, देखना इधर, अंडर हेडिंग 34.01 ऑफ सीटा कवर्स सोप्स विच कवर्स, सुन लो मेरी बात ढंग से, विच कवर्स सोप्स एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेज एंड इज नॉट क्लासिफिएबल अंडर 33.04।
आखिर 33 पॉइंट कंपनी चाह रही थी, इसका मतलब कि हम इसको किस में कैटेगराइज करवाएं। लेकिन कोर्ट का केस आया ना, इसमें नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा? इसमें जाएगा। इसकी हेडिंग में ही दिया हुआ है कि सोप एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस, सोप्स एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस, सोप्स एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस। हेडिंग 34.01 कवर सोप्स एंड अदर सब्सटेंसेस, सब हेडिंग 34.01.10, इसके आगे का 0.10, इन विच द अपीलेंट हैड क्लासिफाइड द गुड्स फॉर सोप इन एनी फॉर्म। ठीक, सोप इन एनी फॉर्म। हेडिंग 33.04 कवर, आखिर इसमें क्या कवर होता है वो देखो, ब्यूटी और मेकअप प्रिपरेशंस एंड प्रिपरेशन फॉर द केयर ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग सनस्क्रीन्स एंड सनटेन प्रिपरेशन, मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रिपरेशंस। ढंग से देखना, यहां पर स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा ना, ऐसे लग रहा है जैसे टीवी चल रही है। देखो प्रोडक्ट फॉर वॉशिंग ऑफ स्किन क्लासिफिएबल एज सोप, द यूज ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस केस वॉज फॉर वॉशिंग ऑफ द स्किन। अब इसने क्या कहा लिरिल ने, कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद फ्रेशनेस आती है। क्या आती है? फ्रेश। वो ऐसा इसलिए कर रहा है, उसको नहाने के बाद फ्रेशनेस नहीं आती। तो हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद फ्रेशनेस आती है और स्किन केयर का प्रोडक्ट है, स्किन को केयर करता है। इसने कहा हम उधर जाएंगे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा ना। है तो आखिर बेस क्या है उसका? सोप। हाँ है ना, बात में यूज होता है, बात खत्म। आप इसमें सेंट डाल दो, स्किन केयर नाम दे दो, कुछ भी कर लो, इसका जिस्ट या सब्सटेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। बोलो ना, हाँ या ना। आप इसको ब्यूटी सोप्स, आप इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते, मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा लिपस्टिक और सोप दोनों अलग अलग होते हैं, सोप इधर जाएंगे। बात समझ में आई? दोनों को फर्क समझो, दोनों में फर्क समझो। मैं पढ़ता हूं कोर्ट ने क्या बोला। क्लेम ऑफ फ्रेशनेस नॉट कंक्लूसिव, द एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट मेक्स इट्स यूजर फील फ्रेश कैन बाय नो मीन्स जस्टिफाई इट्स क्लासिफिकेशन इन हेडिंग नंबर 33.04। अगर तुम कहो कि हमको इससे नहाने में ज्यादा फ्रेशनेस आती है, इससे नहाने में कम, अरे भाई तुम कुछ भी नहीं यूज करते तो भी फ्रेशनेस आती नहीं लगाते साबुन, नहीं समझे मेरी बात, तो भी फ्रेशनेस आती। तो फ्रेशनेस का कोई रूल नहीं है। फ्रेशनेस तो आप कहते हो ना, खाना खाने, लंच या डिनर या सफर करने के बाद भी बोलते हो कुछ फ्रेशनेस आ गई। अरे फ्रेशनेस का कोई लॉजिक थोड़ी है। ठीक है, तो इसी को कोर्ट ने कहा, द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट मेक्स इट्स यूजर फील फ्रेश कैन बाई नो मीन्स जस्टिफाइड इट्स क्लासिफिकेशन इन हेडिंग नंबर 33.04। अगर आप केवल एडवर्टीजमेंट में देते हैं फ्रेशनेस आएगी फ्रेश, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको जस्टिफाई कर दें कि आप इधर चले जाओ। इट इज हार्ड टू थिंक ऑफ सच प्रोडक्ट्स एज लिपस्टिक सनस्क्रीन मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा कन्फरिंग एनी फ्रेशनेस अपॉन इट्स यूजर। बड़ा मुश्किल है ये बताना कि किस प्रोडक्ट को यूज करने पर कितनी ज्यादा फ्रेशनेस आई और कितनी कम आई, या आई भी कि नहीं आई। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट द क्लेम फॉर फ्रेशनेस कैन बी मेड फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस सच एज स्वीट एंड यूज प्रिपरेशन बेवरेजेस फूड्स न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज एक्सेट्रा, यानी कुछ भी खाने पीने से भी तो हम लोग को फ्रेशनेस आती है। तो कहा गया इसका बेस क्या है, हम वहीं जाएंगे। तो देखो एक ही चीज़ दो जगह ले जाई जा सकती है। अगर हम लोग लोगों को फ्री छोड़ दें तो लोग अपने मन मर्जी करेंगे, और उसी को कहा गया कि हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे गुड्स का। अब आते हैं ये ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी क्या है, वापस आते हैं आपके स्टडी मैट पर। ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी, इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट एडेक्वेटली क्लासिफाइड इन द सीटा 1985, अगर आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम या डायलेमा की कंडीशन आती है
कि किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को ले जाएं। आई आई ये वही केस था लेरेल का, उसी के बारे में है। इट शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलर मीनिंग। किसके हिसाब से चलोगे? उसकी पॉपुलर मीनिंग के हिसाब से चलोगे। और मीनिंग अटैच्ड टू इट बाय दोज डीलिंग विद इट इन कॉमर्शियल सेंस। हाउएवर द टैरिफ हेडिंग इटसेल्फ यूजेस हाईली साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स, गुड्स शुड बी क्लासिफाइड इन साइंटिफिक और टेक्निकल सेंस। क्लियर है? यानी ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी क्या कहती है, अगर किसी गुड्स को कैटेगराइज करने में प्रॉब्लम आती है तो उसको नॉर्मल मार्केट कैसे डील करता है, किस नाम से जानता है, किस जिस्ट के नाम काम से जानता है, किस काम से जाना जाता है, उसको यूज करो, उसको कहा जाता है ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को उसके साइंटिफिक या टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को उसके साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं तो उसी को पहले प्रायोरिटी दो। नाम कुछ भी देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात समझ में आई? इसी को कहा गया ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी, जहां पर हमारे इंटरप्रिटेटिव रूल्स या रूल्स जब काम करना बंद कर देते हैं या हम उसको कैटेगराइज करने में थोड़ी डायलेमा की कंडीशन आती है तो वहां पर ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी काम करती है। और ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी दो चीज़ें कहती है कि जिससे ट्रेड किया जाता है, जिस नाम से, जिस काम से उस प्रोडक्ट को जाना जाता है मार्केट में, जिस नाम और काम से वो प्रोडक्ट फेमस है उसी में उसको कैटेगराइज करो। अगर हमारा साइंटिफिक टर्म और टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है तो हम उसी को पहले प्रायोरिटी देंगे। दैट्स इट, दिस इज योर ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी। क्लियर है? रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी, सीटा स्पेसिफाइज द रेट ऑफ ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच टैरिफ एंट्री। ईच टैरिफ एंट्री, अंडरलाइन कर लो टैरिफ एंट्री, पूरा 8 डिजिट का कोड। Each tariff entry given in the chapter there under, the rate of duty may either be a specific rate quantified in terms of money or may be ad valorem। वो बाद में देखेंगे, जब नीचे आओगे तुम लोग देखो तो इसको खत्म करने के बाद हम लोग नीचे पढ़ेंगे valuation of excisable goods, और इसी में ही हम लोग का जितना समय और लगेगा लगेगा, अदरवाइज अब हम लोग के excise में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, जो भी बचा अब valuation ही बचा। कहने का मतलब है, नहीं पन्ने पलट लें, कितने और बाकी तो पन्ना बेस्ड क्लास चलती है कि नहीं, मजेदार है ना? है आज फ्रेशनेस फील हो रहा होगा, क्लोजअप करके आए हो? अरे क्लोजअप वो किया है, दांत तुम दिखा रहे हो और एक दांत कहाँ गया तुम्हारा? कौन सा पेस्ट यूज करते हो? धीरे धीरे घसता जा रहा है। अच्छा चूहों की आदत क्या होती है मालूम है ना? वो लोग अपने दांत घिसते हैं पत्थरों से, सामानों से, तो क्या तुमने भी ऐसा कुछ कोशिश किया था? देखें ढंग से देखेंगे। सेटा स्पेसिफाइड द रेट ऑफ ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच टैरिफ एंट्री गिवन इन द चैप्टर्स देयर अंडर। द रेट ऑफ ड्यूटी में इधर बंद करें, द रेट ऑफ ड्यूटी में इधर बी ए स्पेसिफिक रेट क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी और मे बी एड वैलोरम। क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी सीधे बोल दो ना, आप ये सामान बनाओगे आपसे महीने का हम 20,000 रुपये ड्यूटी लेंगे, नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि पर किलो 20 रुपये लेंगे, हम ये भी बोल सकते हैं पर मंथ 20,000 लेंगे, हम ये भी बोल सकते हैं पर केजी हम 20 रुपये लेंगे। बात समझ में आई? क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। और एड वैलोरम, एड वैलोरम मतलब ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, लिख लो कहीं पर एड वैलोरम ड्यूटी को कहा जाता है ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू। एड वैलोरम ड्यूटी हम लोग ये देखेंगे कि 30 एक किलो पर 10 रुपये, ये कौन सी किस कैटेगरी में आएगा, क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी या एड वैलोरम आएंगे? वैल्यूएशन का पार्ट है, अभी हम कुछ नहीं बता रहे। आपकी यूनिट्स 10,000 यूनिट्स बना रही है, आप 20,000 रुपये दे दो। 5,000 यूनिट किलो बना रही है यूनिट्स, तो भी आप हमको 20,000 रुपये दे दो। क्या है ये सब? वैल्यूएशन हम किस बेसिस पर करेंगे ड्यूटी का, चाहे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रुपी या वैल्यू, जरा देखें। तो
तो एड वैलोरम ड्यूटी के आगे आप लोग लिख देंगे ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, क्या लिख लेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाँ, अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स. इफ द रेट ऑफ ड्यूटी इज स्पेसिफिक द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट. हाउएवर इफ द रेट ऑफ ड्यूटी इज एड वैलोरम द एसएससी हैज टू डिटरमाइन द एसेसिबल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड देयर आफ्टर अप्लाई द रेट ऑफ ड्यूटी. क्या मैंने आते ही लिखवाया वैल्यू इनटू रेट, तो ये वैल्यू जो है वही वैल्यू एसेसिबल की जाती है जिसको हम लोग को वैल्यूएशन में खास तौर पर ध्यान से पढ़ना है. सब चीजें पढ़ेंगे खासकर एड वैलोरम ड्यूटी. एंड देयर आफ्टर अप्लाई द रेट ऑफ ड्यूटी टू सच ड्राइव्ड एसेसिबल वैल्यू. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एसेसिबल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज वैल्यूएशन. जब एसेसिबल वैल्यू को आप वैल्यूएट करोगे तो उसी को हम लोग कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स. क्लियर. सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बताई दिया कि अगर आप सही से सीटा 1985 में कैटेगराइज करेंगे तो आपको एग्जेम्पशन भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता. और ये जरूरी है कि आप सही सही तरीके से क्या करें, एग्जेम्पशन, अरे सीटा 1985 में क्लासिफाई करें गुड्स को, ताकि आपको एग्जेम्पशन का फायदा मिल भी सकता है और वो तय हो. वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. क्लासिफिकेशन समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी भी बोल सकते हैं. देखें इधर, सीटा 1985 में चार कॉलम होते हैं, कितने, जाहिर सी बात है क्लासिफाई करते करते हम सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे और लास्ट क्या होगा. इसी के लिए तो किया गया था, इसको तय कर लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे. बाकी दो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का मतलब इस टैरिफ आइटम में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. और थर्ड है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी, किलो में, टन में. ठीक, ये चार कॉलम हैं. फर्स्ट कॉलम है टैरिफ आइटम का, लास्ट है रेट ऑफ ड्यूटी का. जो टैरिफ आइटम है वो किस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स से बिलोंग करता है वो देना. पहले इसको डिफाइन करो, तो इसको देखते देखते इधर आओ या इसको देखते देखते इधर जाओ. इस ये किस स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है क्वांटिटी का और रेट ऑफ ड्यूटी क्या. क्लियर, नोट कर लें. अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. एक बार वापस आते हैं इस पर, ढंग से देखें. वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, चार तरीके से वैल्यूएशन के बारे में बताया गया. कितने तरीकों से, चार तरीकों से. पहला, ड्यूटी ऑन स्पेसिफिक गुड. या इसको हम कह सकते हैं जो आगे से हम बोलेंगे,
स्पेसिफिक ड्यूटी, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ड्यूटी। सेकंड तरीका है ड्यूटी चार्ज करने का या वैल्यूएशन करने का सामान को, कंपाउंडेड लेवी स्कीम। और थर्ड है ये कंपाउंडेड लेवी स्कीम बेसिकली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? ये स्पेसिफिक ड्यूटी तुम लोग का सिगरेट के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा सिगरेट बड़ा सिगरेट, सिगरेट के साइज पर डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूटी बनेगी। हाँ, बड़ा सिगरेट होगा ज़्यादा देर पियोगे, कम सिगरेट, छोटा सिगरेट होगा कम देर, मिल मत जाना कहीं। दूसरा है कंपाउंडेड लेवी स्कीम, ये बेसिकली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, स्मॉल जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बनाया गया, ताकि हैसल फ्री उनको फैसिलिटी दी जा सके। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर अगर हम एक्साइज की फॉर्मेलिटी लादते चले जाएं तो उनको भी टेंशन होगी। हाँ या ना, कम पेपर वर्क में आपका टेंशन खत्म, जिसको कहा जाता है कंपाउंडेड लेवी स्कीम। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर ड्यूटी चार्ज की गई। आपने मशीन लगाई है पान मसाला की या गुटखा की, हर एक मशीन पर महीने में हम आपसे 40,000 रुपये चार्ज करेंगे। अब जितनी मशीनें हैं उतना दे दो आप, 8 मशीनें हैं 8 दे दो, 3,20,000 क्लियर है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितना आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया अब हमें उससे मतलब नहीं है, आपकी कैपेसिटी इतनी है आप इतनी ड्यूटी हमको दे दो, आपकी कैपेसिटी इतनी है आप हमको ड्यूटी का इतना पैसा दे दो, क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर ड्यूटी चार्ज करना। और लास्ट है एड वैलोरम ड्यूटी, जिस पर सारी मेहनत होगी। एड वैलोरम ड्यूटी 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती हैं? हम केवल आज एक बेसिक दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हर एक ड्यूटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, चिंता मत करना। पहला है स्पेसिफिक ड्यूटी, जो किसी भी सामान के साइज और लेंथ पर चार्ज की जाती है, किसी भी सामान के साइज एंड लेंथ पर चार्ज की जाती है। कंपाउंडेड लेवी स्कीम स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर कह लो। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ मशीन या कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, इक्विपमेंट की साइज पर डिपेंड करता है। और एड वैलोरम ड्यूटी 3 तरीके से चार्ज होंगी। पहला कहलाता है टैरिफ वैल्यू के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू। ये इसीलिए आज बेस दे दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करें तो तुम लोग को ये ना लगे कि कुछ नया पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बार जान चुके तो हमको समझाने में उस समय थोड़ा आसानी होगा। टैरिफ वैल्यू के बेसिस पर किसके बेसिस पर? टैरिफ वैल्यू के बेसिस पर, इसको हम लोग कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। ये टैरिफ वैल्यू क्या है? गवर्नमेंट ने कहा, चलो एक क्वेश्चन नोट रहने दो। टैरिफ वैल्यू, अगर मेरा सामान 40 रुपए में बिकता है, कितने में? गवर्नमेंट ने कहा 60% इसकी टैरिफ वैल्यू ले लो। कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जितने में सामान बेचते हो ना उसका 60% टैरिफ वैल्यू है, यानी वो वैल्यू जिस पर ड्यूटी चार्ज की जानी है 24 रुपए पर। अब कैलकुलेशन कर लो अपना, उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर देना। मान लो टैक्स रेट 10% है तो टैक्स बनेगा 2 रुपये 40 पैसे। तो ये टैरिफ वैल्यू निकालने के लिए होता है, क्लियर है, पक्की बात। दूसरा, ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 4।
अब आपको पूरा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होता है, वो वैल्यू कैसे अराइव की जाती है, वो वैल्यू कैसे अराइव की जाती है, परसेंटेज ऑफ ड्यूटी ऑन द वैल्यू। चलो हम इसको थोड़ा और इजी बना देते हैं, एसेसिबल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू अंडर सेक्शन 4। जो सेक्शन 4 के हिसाब से कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वही हमारी एसेसिबल वैल्यू होगी, उसी पर हम ड्यूटी चार्ज करेंगे। लास्ट है, गवर्नमेंट ने कहा एमआरपी बेसिस, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि सामानों पर लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लिखा तो मैक्सिमम सामानों पर रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन कुछ सामानों को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि लोग क्या करते हैं खर्चों को दूसरी तरह से डाइवर्सिफाई करके दिखाते हैं, अपने सामान को इसको बेच दिया सस्ते में और ये ट्रेडर का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर का काम नहीं कर रहा, किसका काम कर रहा है, ट्रेडर का काम कर रहा है, सस्ते में बेच दिया ये महंगे में बेच रहा है। अगर हम एसेसिबल वैल्यू पर जाएंगे, काफ़ी खर्चे मैंने इसको बोल दिए तू करना, अगर मैं करूंगा तो हमारी वैल्यू एसेसिबल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी, ड्यूटी परसेंटेज के बेसिस पर है, टैक्स बढ़ जाएगा। अब मैंने गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने के लिए ये सब काम किया, गवर्नमेंट ने कहा हमें मूर्ख नहीं बनना, हम कुछ सामानों पर एमआरपी बेसिस टैक्स लगाएंगे। आप जितने में सामान बेचते हो जो एमआरपी प्रिंट करते हो उसमें से कुछ अबेटमेंट ले लो, क्या ले लो, डिस्काउंट ले लो 20%। मान लो 100 रुपये का सामान है, 20% अबेटमेंट है, यानी आपका सामान 80 रुपये का पड़ा, 80 रुपये एसेसिबल वैल्यू है, इस पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करके ड्यूटी दे दो। अब बात समझ में आई, वैल्यू बेस्ड जो हमारी ड्यूटी होगी वो तीन तरह की होगी, पहला एड वैलोरम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 4, दूसरा एमआरपी बेसिस, और एक है हमारी टैरिफ वैल्यू, ये तीनों अलग अलग हैं जिसको हम कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, पक्की बात है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चार तरह से ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ड्यूटी साइज़ और लेंथ के हिसाब से कैसे कैलकुलेट की जाती है, दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कैसे ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है, तीसरा कंपाउंडेड लेवी स्कीम किसके लिए और कैसे कैलकुलेट की जाती है, और लास्ट बचा एड वैलोरम ड्यूटी जिसमें तीन आएंगी, कैलकुलेटेड वैल्यू अंडर सेक्शन 4 जो हम लोग को नॉर्मली पढ़ना है, एमआरपी बेसिस और टैरिफ वैल्यू के हिसाब से। तो टैरिफ वैल्यू हमारे लिए टेंशन नहीं होता ज़्यादा, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, एमआरपी बेसिस हमारे लिए टेंशन नहीं होता, वो ऑलरेडी मालूम होता है, हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है कैलकुलेटेड वैल्यू अंडर सेक्शन 4। क्लियर है, पक्की बात है, तो घर जाएंगे आप लोग, एक काम तो करेंगे ही करेंगे, कौन सा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लें, नेक्स्ट क्लास में बस हम उस क्वेश्चन को करवाएंगे, स्टार्टिंग वहीं से करवाएंगे, क्वेश्चन लिख लें थोड़ा स्पीड, दो लाइन लिख लें, घर से कोशिश करके आएंगे ना आप लोग, लिख लें, एक्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फेस वॉश, फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स वेयर सोल्ड एज एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी पचास पर यूनिट। कॉम्प्यूट द एसेसिबल वैल्यू इफ tariff value is 65%, if tariff value is 65% of retail sale price, tariff value is 65% of retail sale price, full stop. Also compute duty liability if
रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज 12%, इफ रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज 12%, ईसी एंड एसएचई एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ईसी एंड एसएचईसी इज 3% एंड वैट रेट इज 12.5% एंड वैट रेट इज 12.5%। ये क्वेश्चन है बेसिकली, मैंने ये क्वेश्चन दिया है, सुन लें। इस पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू लिख लेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू। अभी हमने कोई सेक्शंस की बात नहीं की है, ये नहीं बताया किस सेक्शन में क्या होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आई चीज़ें? कहीं कोई दिक्कत है? बोलो भाई, ये क्वेश्चन करके आओगे नेक्स्ट क्लास में? कोशिश करके आना। थैंक यू बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लें।